आ चुके हैं अपने YouTube चैनल पर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Facebook की अगर पुरानी आपकी आईडी नहीं मिल रही है तो उसको कहाँ से जाकर ढूंढ कर अपनी उसी आईडी पर आप कैसे Facebook चला सकते हो दोबारा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने Facebook पर। सबसे पहले आपको Facebook ओपन कर लेना है। फेसबुक ओपन करने के बाद आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से अलाउ कर देना है और यहाँ से आपको कोई अपनी आईडी चूज कर लेनी है। जैसे मैंने पहली अपनी पुरानी आईडी चूज कर ली और यहाँ से आपको नेक्स्ट आपका पूरा नाम क्या है पहले अपना नाम डालें और फिर सरनेम डालें और यहाँ से आप नेक्स्ट पर क्लिक करें और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी अपनी जिस पर आपने फेसबुक पहले अकाउंट बनाया था उसी पे आपको कोई उसी डेट ऑफ बर्थ को नीचे करके उसी को क्लिक कर लेना है। उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको रखना है जो पहले आपने रखी थी। जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ रख लिया और इस पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपके लिंक के लिए एक ऑप्शन चुने और यहाँ से अगर आप ईमेल पर बनाना चाहते हो या मेल पर बनाना चाहते हो किसी भी पर बनाना चाहते हो उस पर क्लिक कर दीजिए और आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना है जिस पे आपको पहले आपकी आईडी बनाई है आप बात और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है चुने जो आपने पहला डाला था। पासवर्ड बनाएं जिसमें कम से कम 6 और यहाँ से आपको कोई जीमेल अपना अकाउंट ईमेल एड्रेस कर लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अपना फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए टेक्स्ट को ध्यान से पढ़े और उसके बाद साइन अप बटन पर क्लिक करें। साइन अप पर आपको क्लिक कर लेना है और ये दोस्तों हमारा बन चुका है अब फेसबुक अकाउंट। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करके और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।